हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल से मैच करती है। तो आप ज़्यादातर जाते हो और ये लिखते हो कि बेस्ट थंबनेल और ये सब, लेकिन इससे कुछ होता तो है नहीं। आप भी वापस आ जाते हो थक के और आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट ऐप, या फिर उसको साइट भी बोल सकते हो, जहाँ पर आप अपना थंबनेल बना सकते हो। आपको सिंपली जाना है अपने क्रोम बार के या फिर किसी भी इंजन के सर्च बार में और उसमें लिखना है कैनवा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बिल्कुल सर्टिफाइड कंपनी है कैनवा और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स इसी से अपना थंबनेल बनाते हैं। तो आप नीचे जाओ और इस कैनवा वाले लिंक पर क्लिक करो तो कैनवा का होम पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर लॉग इन या साइन इन कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिक्कत आ सकती है बिना लॉग इन किए, और लॉगिन भी आपको बस एक बार ही करना होता है। तो आप इसको लॉगिन कर लो, या आपके होम पेज पर ले जाएगा, मतलब जो आपका अकाउंट जिससे लिंक्ड है उसके होम पेज पर। मैं आपको पहले ही बता दूं, कैनवा में बहुत सारे फीचर्स फ्री है, लेकिन ये पूरा फ्री ऐप नहीं है। हाँ, पर आपके बेसिक लेवल एडिटिंग या फिर थंबनेल, जो कि प्रो लेवल एडिटिंग भी बोल सकते हो, वहाँ तक आप तो ये कर ही देगा। तो आप नीचे जाओ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके रीसेंट डिज़ाइंस दिखाएगा कि आपने इससे पहले क्या क्या बनवाया है। आगे की बात की जाए तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो इससे, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, लोगो बनाना या फिर वीडियो बनाना। लेकिन हम इसमें आपको ये बताएंगे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं इससे। तो आप उस पर क्लिक करोगे यूट्यूब थंबनेल पर, तो ये एक पेज लोड होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको प्री लोडेड मिलते हैं इसमें, कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर बात की जाए एलिमेंट्स की, तो आप इसमें कुछ भी सर्च करोगे इस सर्च इंजन में, तो ये आपको सब चीज़ देगा जो आपको वीडियो में इंसर्ट करनी है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ लाइन, तो ये हर तरीके की लाइन को आपको देगा। जैसे कि ये एक सिंपल सा लाइन है, आप इसको अपने वीडियो के हिसाब से। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि टेम्पलेट्स तो आपको इसमें प्रीलोडेड बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये आपके यूट्यूब चैनल के कैटेगरी के हिसाब से भी है। जैसे कि देख लो, यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड है, फॉर यूज़, मतलब फॉर यू, और फिर बहुत सारे, जैसे किसी का म्यूज़िक चैनल है, किसी का ब्यूटी चैनल है, किसी का ट्यूटोरियल चैनल है मेरी तरह, तो आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। अब जैसे देखो, ट्यूटोरियल चैनल में बहुत सारे सी ऑल करोगे तो बहुत सारे प्रीलोडेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रो वाले भी है, जो कि हमारे लिए नहीं है, हम तो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। फिर भी आप करना चाहते हो तो फ्री वाले यूज़ करो। और ये देखो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, आप अपना कुछ भी लिखो या फिर कुछ भी करो, आपके लिए ही है ये टेम्पलेट। तो आपको कैनवा यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप शॉर्टकट्स यूज़ करो। आप देख रहे हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक प्रो टिप बताऊँ तो, आप अगर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर अल्ट की को होल्ड करोगे तो वो भी कॉपी हो जाएगा। अगर आप सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके डेल बटन दाबोगे वो डिलीट हो जाएगा, या फिर किसी एक को भी कर सकते हो। खैर, वो सब तो बात की बातें हैं, ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अब आते हैं अपलोड्स में। अब कैनवा में सबसे मेन रोल यही प्ले करता है, यहाँ पर आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि हमें नहीं करना है अभी। और फिर यहाँ पर से अगर आप अपलोड करोगे तो आप कुछ मतलब किसी भी ऐसे चीज़ को ऐड कर लो जो आपको अपने थंबनेल में चाहिए। जैसे कि मैं थंबनेल का एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ पर ये अपलोड होने लगेगा। और अगर कभी कभी आपका नेट स्लो हो, जैसे कि मेरे केस में है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं लेगा। और हाँ, नीचे आपके प्रीवियसली अपलोडेड एलिमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये देख रहे हो, ये हम लोग का अपलोड होने लग गया बैकग्राउंड। तो अब बस उस पर आप क्लिक करो तो ये आपके वर्किंग एरिया पर आ जाएगा। तो क्योंकि हमें इसे बैकग्राउंड की तरह सेट करना है, तो हमें और कुछ नहीं छेड़ना है, बस इसे सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर देना है। तो देख रहे हो, ये 1280x720p के बैकग्राउंड फॉर्म में आ गया है। मैं आगे आपको ये भी बता दूंगा कि हमें और भी हायर फॉर्मेट वाली थंबनेल कैसे बनानी है, लेकिन फ्री वर्जन ऑफ कैनवा में तो बस इतना ही बनता है, वो बात की बात है। तो हमें इसे क्लिक करना है, आपको जैसा भी डिज़ाइन करना है अपना थंबनेल करो, टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करो। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट भी मिलते हैं, जैसे ग्लो है, देख रहे हो। और अगर आपको ये सब बदलना है, आप उस पर बस डबल क्लिक करो, वो खुद ही अपना टेक्स्ट चेंज करेगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। और वो छोटा बड़ा का ऑप्शन तो आ ही सकता है, टिल्ट का भी ऑप्शन है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू,
बस आप इंटर करो, इंटर भी मत करो वैसे वो बड़ा हो जाएगा, बस उधर कहीं किसी और एरिया में क्लिक करो और फिर अगर आपको इमोजी इंसर्ट करना है ऐसा ही, जो कि बेकार लगेगा इस पर फिर भी दिखा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। और हाँ, यहाँ पर अंडू रीडू बटन भी दिया गया है कि अगर आप कुछ गलती कर दो और अगर आपको पुराना चीज़ वापस लाना हो तो आप उसे अंडू या रीडू करो। और एक टिल्ट ऑप्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, बस इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे टेक्सचर, फॉन्ट और भी ये सब जो टेक्स्ट है ये बहुत सारे, आप इसमें सर्च भी कर सकते हो। ऐसे इधर बहुत सारे प्रीलोडेड भी है जिससे आपका मतलब एडिटिंग और थंबनेल के लिए तो काम चल जाएगा। अब जैसे कि ये एक फॉन्ट मैंने ले लिया, तो आप इसका नीचे का ये पोर्शन हटा दो, डेल बटन दबाकर आप हटा सकते हो, और इधर से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो रेड, पर्पल, बहुत सारा है। अच्छा रुको, आपको पता नहीं चल रहा होगा, अगर मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको भी रेड किया, ये देखो अभी रेड कलर का हो गया है। तो अपनी क्रिएटिविटी और यूट्यूब चैनल के हिसाब से आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, मैं आपको हर तरीके का फॉन्ट दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं ग्रुप और अनग्रुप की, तो ये सब मैं हटा देता हूँ। अब मान लो एग्जांपल के लिए इसको मैं पहले पोजीशन कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, मैं बता रहा हूँ। फिर आप एलिमेंट्स में जाओ, जैसे कि मैंने एक लाइन सर्च कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के लाइन्स हैं। मैं ग्राफिक्स में जाके मान लो ये वाला चूज़ करता हूँ, अब इसे मैं टिल्ट कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ जैसे कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, ये इस रोप के साथ, मान लो ये रोप है, इसके साथ ये हैंग हुआ हुआ है, तो आप इसको पोजीशन कर लो और ये जो लाइन है इसको सेंड टू बैक कर दो ताकि थोड़ा रियलिस्टिक फील आए और वो थोड़ा पीछे जाए। अब आप इन दोनों को एक साथ ग्रिड में करके इधर ग्रुप का बटन दाब दो। अब देखो ग्रुप अनग्रुप क्या होता है, अब ये दोनों साथ में चलेंगे, ये अनग्रुप रहता तो ये दोनों अलग चलते। फिर आप इसको अपने हिसाब से टिल्ट करो, जूम इन करो, जूम आउट करो, कुछ भी करो, ये बस एक एग्जांपल है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। तो क्योंकि अब ये ग्रुप हो चुका है तो अगर आप इस फॉन्ट को छोटा बड़ा करोगे तो ये पूरा ही मतलब बिग स्मॉल ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, लेकिन क्योंकि ये प्रीलोडेड फॉन्ट है इसलिए काम नहीं करता, वरना बहुत सारे फॉन्ट है आप इस लिस्ट से चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आती है रीसाइज़ की बात, मैंने कहा था ना ये 720p में ही रहता है। अगर आप यहाँ पर ट्राई भी करोगे कि मैं इसे HD कर दूँ, 1080p में कर दूँ, 1920x1080p कर दूँ, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये कैनवा प्रो का एक फीचर है जो कि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हमें नहीं मिला है। तो मैं इसका भी एक सलूशन बताता हूँ, आप उसे वैसे ही रहने दो एज इट इज़ और आप बस 1280x720p को डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड, हाँ बस डाउनलोड, आप अगर थंबनेल बना रहे हो तो डाउनलोड हमेशा ही आप PNG फॉर्म में करना, क्योंकि PNG एक हाई क्वालिटी फॉर्म है एक इमेज का। इसमें तो एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे फॉर्मेट है, लेकिन क्योंकि एक थंबनेल है तो आप PNG में ही करो। यहाँ पर सभी ओपन है फीचर, लेकिन एक SVG को छोड़कर, और उसकी तो हमें काम भी नहीं है, इसलिए आप इसको ट्राई भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप बस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दो, सभी चीज़ें देख लो, ऐसे कुछ देखने के लिए है नहीं। आप PNG सेट करो और बस डाउनलोड बटन क्लिक करो, यहाँ पर नीचे कॉलम आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ तक आपका पूरा एक थंबनेल बन चुका है जो कि आप खुद बनाओगे, मैं तो आप बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो बन चुका है, अब देखो मेरे पास तो विंडोज़ 10 है, तो जिसके पास विंडोज़ 10 है उनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप अपनी थंबनेल क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी ये 720p पे है, मतलब ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि 1080p में जाए, तो आप बस यहाँ पर एक राइट क्लिक करो और यहाँ पर रीसाइज़ दिख रहा है, रीसाइज़ पर क्लिक करो और डिफाइन कस्टम डायमेंशंस जो सी है उस पर जाओ। यहाँ पर आप लिख दो 1920x1080p, वो तो खुद लिख लेगा। अब सेव रिसाइज्ड कॉपी पर क्लिक करो। अब इसको आप जो रिसाइज़ कर रहे हो ये कहाँ आपको सेव करना है ये आप देख लो, मैं डेस्कटॉप सेव कर देता हूँ। सेव करो, आप आ जाओगे अपने डेस्कटॉप पे। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये 1920x1080p में मतलब रिसाइज हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपना एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हो। तो बस ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।